हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जस्ट आई एम होपिंग कि आपने 210 मार्क्स इन वन मंथ टारगेट ले लिया है एंड उसको एकदम एकदम के पढ़ाई कर रहे हो आप, राइट? तो बहुत से कमेंट आ रहे थे कि वो जो 15 डेज का जो टारगेट आप ले चल रहे हैं उसमें कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से करें, कितना जो सेट टारगेट उसको कैसे अचीव करें, इसके लिए रिगार्डिंग बहुत कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ वीडियो बनाओ आप। तो मैं इस वीडियो में लॉ के लिए बताऊंगी। लास्ट वीडियो मैंने मैथ्स एंड अकाउंट्स का बना दिया है, आप जाके चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप सेट टारगेट जो है 210 मार्क्स में अकाउंट्स एंड मैथ्स के लिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने चाहिए जो 100% श्योरिटी रहता है, जिसका एग्जाम में आएगा ही आएगा एंड जो बेसिकली बहुत चैप्टर है, आपको करना ही चाहिए। वैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलूंगी कि आपको जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैं से बहुत से लोग हो सकता है ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अगर वो कर लूँ तो 22 मार्क्स मेरा ऐसे सेट हो जाएगा। बट गाइस, उसमें टोटल 6 यूनिट है जो कि ऑलमोस्ट जो 6 यूनिट वो 6 चैप्टर के इक्वल है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही वास्ट चैप्टर है वो। इसलिए मैंने अपने जो सीक्वेंस मैंने फॉलो किया तो मैं वही आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर कंप्लीट किया था कि वो मुझे बहुत ही ईजी लगता था। देन उसके बाद फिर जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो वेटेज है हर अटेम्प्ट में वो 16 मार्क्स का आता है। तो अगर आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट कर ले तो आपका 16 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कर लेना है LLP जो कि एकदम फिक्स रहता है कि 5 मार्क्स का आता ही आता है। तो फिर नेक्स्ट आपको कर लेना है कंपनीज एक्ट, आप कर सकते हो या फिर आप पार्टनरशिप एक्ट कर सकते हो। बट मुझे कंपनीज एक्ट ज़्यादा थोड़ा ईजी लगता था इसलिए मैंने कंपनीज एक्ट कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट, जिसका वेटेज रहता है 13 मार्क्स का। नाउ आप यहाँ पे 16 + 5 + 13 यहाँ पे इतना मार्क्स हो रहा है। नेक्स्ट फिर आपको BCR कर लेना है, ये वन मंथ टारगेट का बोल रही हूँ मैं। फिर आपको BCR में जो कम्युनिकेशन चैप्टर उससे फिक्स रहता है कि टोटल 8 मार्क्स का आता है जिसमें से आपको 6 मार्क्स का करना रहता है। फिर नेक्स्ट आपको जो प्रिसाइज राइटिंग है जो 5 मार्क्स का ये कंफर्म रहता है कि आता ही आता है, आप वो कर सकते हो या फिर उसके प्लेस पे आप नोट मेकिंग एंड जो समरी राइटिंग आता है उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, वो भी दोनों मिला के 5 मार्क्स का फिक्स रहता है। तो यहाँ पे ये आपके डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कंपनीज एक्ट करते हो या फिर पार्टनरशिप एक्ट, बट कोई एक आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट BCR में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे प्रिसाइज राइटिंग करते हो या फिर नोट मेकिंग एंड प्लस समरी वाला। तो आप टोटल मार्क्स करते हो यहाँ पे आपको 14 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा इन जस्ट 15 डेज। अगर आपने वो वन मंथ टारगेट 210 मार्क्स नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना उस वीडियो को ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि इकोनॉमिक्स एंड BCK के लिए कि आप किस तरीके से 15 डेज पढ़ के जो मिनिमम जो ICI का जो क्राइटेरिया है कि आपको 40 मार्क्स लाना ही लाना है प्लस उसमें कुछ और एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करना, आप कैसे कर सकते हो। थैंक यू सो मच।